नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए 6 नंबर के जो लड्डू गोपाल जी, उनके लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये डबल लेयर में है और फेस्टिवल के हिसाब से ही ये तैयार किया है मैंने, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है और उनको हर फेस्टिवल के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी ना हो और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे, तो मैंने ये डबल लेयर का जो ड्रेस है किस तरह से बनाया है उसे बनाना सीखते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूले, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं उसके लिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है, वाइट कलर का कपड़ा लिया है, और ये जो एक पट्टी ली है इससे आप चाहे तो इस तरह का फैंसी भी जो है चोली के लिए ले सकते हैं, बट मैं सिर्फ वाइट कलर का ही रखूँगी। और ये गोटा पट्टी के लिए लिया है लेस के लिए, ये सामान जो है हमें चाहिए। और आप अपने जो लड्डू गोपाल जी है उनके पुराने ड्रेस से साइज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है इस कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो 5 इंच रखी है, और इसकी लंबाई जो है वो 31 इंच का रखा हुआ है। इसमें पूरा ड्रेस जो है बहुत अच्छे से साइज़ में बन जाएगी। दोस्तों, जो रेड कलर का कपड़ा लिया है उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, बट लंबाई सेम है, लंबाई 31 इंच ही है और चौड़ाई जो है 3 इंच जितना मैंने रखा है। अब जो वाइट कलर का कपड़ा है उसके उल्टे साइड में बुकरम को लगाते हुए मैंने जो है सिलना है, और उसके बाद में दोस्तों इसको पलट कर और तीनों साइड से वापस अच्छी तरह से मोड़ते हुए लॉक कर देना है, और उसके बाद में जो है गोटा पट्टी सिलना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना सिल के आपको जो है दिखाती हूँ वापस कि ये किस तरह से लुक आएगा, और अच्छे से ही आ जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से लॉक भी हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करके फिर ऊपर से भी जो है आपको एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए, क्योंकि बुकरम थोड़ा सा हार्ड होता है और कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेसेस है वो थोड़ा सा खड़ा रहे, मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा लगे वो पहनने के बाद में, इसीलिए ही बुकरम को अटैच करना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते नहीं हैं बुकरम लगाना तो आप ना भी लगाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर ये लगाते हैं तो पहनने के बाद में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये मेरा स्टिच हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर जो है गोटा पट्टी का लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हैवी लेस ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक दो हैवी वाला बना रखा है, और अभी मैंने दो और भी बनाए थे बट वो मैंने शेयर नहीं किया वीडियो, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रख रही हूँ और गोटा पट्टी का ही लेस जो है अटैच करूँगी, और ये मेरा जो है सिलाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब जो है रेड वाला पट्टी मैं अटैच करूँगी, उसके लिए पहले मैं रेड वाले जो कपड़ा है उसको जो है साइड से लॉक कर रही हूँ, दोनों साइड से करने के बाद में फिर दोस्तों मैं इसको मोड़कर नीचे से जो है गोटा पट्टी का लेस अटैच करने के बाद में जो है अपने वो वाइट ड्रेस जो बना रही हूँ उसके साथ फिर बाद में ऐड करूँगी। तो जब तक मैं इसको फटाफट से सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। रेड वाले कपड़े पे मैंने बुकरम नहीं ऐड किया है, ये नॉर्मली मैंने सिलाई की है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा खड़ा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इस पर भी जो है बुकरम लगा सकते हैं, अगर चाहे तो 1 इंच जितना चौड़ाई वाला ले सकते हैं, बट मैं ऊपर से नहीं लगा रही हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने ड्रेस को लुक देना चाहते हैं। इसको भी मैं दोनों साइड से गोटा को अच्छे से एक बार इस साइड से चलाया, एक बार उस साइड से, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा है इसका लेस। मैंने वाइट वाले पर भी ऐसे ही सिलाई की थी, और ये मेरी जो है सिलाई हो चुकी है। अब मैं दोनों जो पट्टे हैं, मतलब जो घेरा है, उनको मैं अच्छे से जो है दोनों को अटैच करते हुए एक बार सिल लूँगी, और जब तक ये सिल रही हूँ मैं आपको फिर सिल कर दिखाती हूँ। ये मेरी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब इनको जो है बहुत ही अच्छे से आपको जो है प्लीट्स लगाना है। प्लीट्स एकदम बराबर साइज़ में लगाइएगा आप, अगर आप 1 इंच का प्लीट्स रख रहे हैं तो 1 इंच का, और अगर आप 1/2 इंच का रख रहे हैं तो बराबर 1/2 इंच का ही रखिएगा, जैसा आप प्लीट्स आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ी अगर ड्रेस हो रही है तो थोड़ा सा
प्लीट्स जो है सही होना चाहिए, प्लीट्स पर ही जो है घेरा डिपेंड रहता है। दोस्तों अब ये मेरा घेरा जो रेडी हो चुका है, घेरा रेडी हो जाने के बाद में आप चाहे तो जिस कलर का आपने कपड़ा लिया है उसी कलर का ही ऊपर जो है पट्टा जैसे बनाते हैं हम लोग डोरी डालने के लिए, वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर का जो मार्केट में 1 इंच का लेस रहता है उसी से ही कर रही हूँ। और ये जो है आराम से आप बनाने के बाद में आप किसी भी तरह की डोरी अंदर डालते हुए सिलाई कर सकते हैं। और ये मेरा बन चुका है, आप चाहे तो बाद में भी धागा डाल सकते हैं, मैं ये धागा डाल के आपको बाद में बताती हूँ। और तब तक ये चोली के लिए जो है, चोली बनाने के लिए इस तरह के ही लेसेस मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं ये 1 इंच का जो लेस होता है वही है। और इसको आपको अच्छे से लॉक कर लेना है, लॉक करने के लिए आप साइड से हल्का सा इसको बर्न कर लीजिएगा। और अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़े को आप अच्छे से कॉर्नर के साइड से स्टिच करके लॉक कर सकते हैं। इसकी साइज़ जो है मैंने 5 इंच लिया है, 5 इंच के जो है 4 टुकड़े लिए। और अगर आप कपड़ा ले रहे हैं तो आप 2.5 इंच चौड़ाई रख सकते हैं, 6 इंच लड्डू गोपाल जी के लिए बता रही हूँ मैं। और जो कपड़े की चौड़ाई है जो आप 5 इंच के हिसाब से जो है 10 इंच जितना ले सकते हैं, और साइड में सिलने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और मोड़ने के हिसाब से, तो आप 11 इंच का कपड़ा लेकर फिर उसको जो है कटिंग करके ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो है लेसेस ले रही हूँ तो मैंने 5-5 इंच का जो है ले लिया, क्योंकि इसको साइड से मोड़ना नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको जो अच्छे से सिल ले रही हूँ, दोनों को ऐसे अटैच करते हुए रखते हुए, और अच्छे से जो है इसको फटाफट से सिल लूँगी। और ऊपर से जो है मिडिल में जो है अपना जो गोटा पट्टी यूज़ लिया है उसी को ही अटैच कर दूँगी। और इससे बिल्कुल ही सिंपल सा होगा लेकिन ये काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगेगा। और मेरा जो है ये सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इसको पास में रखते हुए 1.5 इंच जितना ऊपर से सिलना है। ये सामने का पोर्शन रेडी हो रहा है और इसको इस तरह से जो है ऊपर से 1.5 इंच जितना आपको लॉक कर लेना है, सामने का हिस्सा जो है चोली का वो बनाने के लिए, जब तक मैं ये सिल रही हूँ। और आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए रेड कलर का कोई अगर आपके पास लेसेस के टुकड़े हैं या कुछ कपड़ा है तो आप उसको भी मोड़कर जो है सामने जो है लगा सकते हैं, या आप मतलब कोई भी आप छोटा सा, क्योंकि रेड कलर भी हमने यूज़ किया है तो इस तरह से आप इसको जो है अटैच कर सकते हैं। अब चोली को बांधने के लिए नीचे की साइड में डोरी लगाने के लिए मैं गोटा का जो लेस है उसी को मोड़ते हुए और वहाँ पर जो है थोड़ा गैप रखते हुए, मतलब जैसे बांधने के लिए आपको 3 इंच जितना धागा चाहिए तो उतना रखने के बाद में जो चोली को यहाँ पर नीचे अटैच करते हुए गोटे के साथ में जो है सिल रही हूँ। और सिल के मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि ये अब मेरा जो ड्रेस है वो टोटली जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मैं ये सिल के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों चोली को आपको लड्डू गोपाल जी को पहना कर और इसके जो गोटा लेस है इससे जो है उनको पीछे बांध कर लॉक कर देना है, ताकि ये जो है अटैच रहे अच्छे से। और इस तरह से जो आप पहनाएंगे इनको, और जो घाघरा हमने सिला है उनके जो नीचे का, उस पर भी मैंने अंदर जो है रस्सी रखी है, तो उसको भी अच्छे से जैसे हम लोग लहंगा पहनते हैं उसी तरह से ही बांधना है इसको भी। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ड्रेस बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।